और उन्होंने सरकार और विभाग की मदद की, और अगर वो मदद बहुत हद तक सफल हुई तो सरकार का क्या फैसला होगा? अगर शराब पीने वाले व्यक्ति पकड़े जाते हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब वो जेल नहीं जाएगा? जेल नहीं जाएगा। ये फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अभी करीब 3.5-4 लाख व्यक्ति को हम लोग जेल भेज दिए हैं, ठीक है। तो मेरा ये सोशल इविल है, जो पी रहा है सोशल इविल है, और इसको इसका ये सजा नहीं, उसको सुधारा जा सकता है। तो जो इसके पीछे है, जो इसको दारू बिचवा रहा या पिला रहा है, हम लोग का फोकस उसके ऊपर है। कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये आदेश? ये आदेश अभी से, ये आदेश तो अभी से ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। माने शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए आदेश? शराब माफियाओं को कमर तोड़ने के लिए, और जैसे ही व्यक्ति रिलैक्स होगा कि नहीं, तो वो सबका नाम भी बताना शुरू कर देगा। और वो ये होगा कि नहीं, पहले था कि जो जाता था जेल, जो पीता था एक बोतल ले जाता था वो जेल जाता, अब शराब माफिया ये भी होगा कि वो भी जेल जाएगा, क्योंकि अब इनको थोड़ा सा रिलैक्स हम देंगे तो ये नाम भी बता देगा। सुरक्षा की, सुरक्षा के लिए हम लोग सब हैं, पुलिस है, इतने लोग पकड़े गए हैं, क्या हुआ मुखबिर को और किसको? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।